Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we will be discussing a very important remedy from third prof, and that is Naja. Friends, Naja has a very prominent action on heart. ठीक है, Naja जो remedy होती है ये snake group को belong करती है और इसका बहुत अच्छा action होता है heart के symptoms पर. तो चलिए अब हम Naja डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो फ्रेंड्स, जब मैं आपके साथ ये रेमेडी डिस्कस करूं तो आप इसके हार्ट के सिम्टम्स पर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मोस्ट फ्रीक्वेंटली उसी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. So friends, now talking about our remedy for today, Naja. यहाँ पर लिखा हुआ है suicidal insanity broods constantly over imaginary troubles. Friends, मैंने आपको aurum metallicum पढ़ाई है. Aurum metallicum का भी जो patient होता है वो भी हमेशा imaginary troubles के बारे में सोचता रहता है. ठीक है, so broods constantly over imaginary troubles. और इसमें सुसाइडल इनसेनिटी होती है, दैट मीन्स सुसाइड करने के लिए ये पर्सन इनसेन होता है, मतलब बहुत ज्यादा पागलपन होता है इसका सुसाइड को लेकर. ठीक है, सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट. कई बार जब हार्ट में, हार्ट की मसल्स में, हार्ट के वॉल्स की मसल्स में अगर हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो उस कंडीशन में हम Naja को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन फॉर रीस्टोरिंग अ हार्ट डैमेज बाय अक्यूट इन्फ्लेमेशन. अगर सपोज किसी अक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हार्ट है इसमें डैमेज हो गया है, तो उसको रीस्टोर करने के लिए और पर्सन को उस सफरिंग से रिलीफ दिलाने के लिए भी Naja एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है. सो क्रोनिक हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, वॉल्यूलर लीजन, दीज आर द फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट aspects where Naja has a very prominent role. Moving on, irritating dry sympathetic cough in acute stage of rheumatic carditis. Naja rheumatic carditis ke case mein de sakte hain. We have already seen that acute inflammation agar heart ka ho raha hai to us condition mein hum Naja dete hain. बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये लिखी हुई है दैट जो पर्सन होता है वो इरिटेटिंग और ड्राई सिंपैथेटिक कफ से भी सफर करेगा. ठीक है, तो ड्राई कफ की प्रॉब्लम होती है रूमेटिक कार्डाइटिस के पेशेंट में. मूविंग ऑन, थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ हार्ट पोस्ट डिप्थीरिक. अगर डिप्थीरिया के बाद पैरालिसिस ऑफ हार्ट होने की चांसेस दिख रही है पेशेंट में, तो उस कंडीशन में भी हम Naja को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. Now talking about the pulse rate of the patient of Naja, यहाँ पर mention किया गया है that इसकी जो pulse होती है वो irregular होती है but regular होती है rhythm में. So irregular होगी pulse force में, जो कि आपको याद रखनी है, और regular होती है rhythm में. Inability to speak with choking, nervous, chronic palpitation, especially after public speaking. अगर कोई person है जो एक public speaker है, सपोज वो कोई टीचर है, वो कोई लेक्चरर है, तो उस कंडीशन में पब्लिक स्पीकिंग के बाद क्या होता है, वो पर्सन जो होता है उसमें इनएबिलिटी हो जाती है टू स्पीक, और क्रोनिक पैल्पिटेशन, मतलब हार्ट उसका बहुत रैपिडली बीट करने लगता है. ठीक है, इसके पेन की अगर हम बात करें तो पेन में एग्रेवेशन होता है कैरेज राइडिंग से. इसका पर्सन जब ट्रेन में, बस में, बुलेट कार्ट कहीं भी सफर करेगा, कैरेज राइड करेगा, तो उसकी प्रॉब्लम पेन की बढ़ जाती है. लाइंग ऑन द साइड, जिस साइड पेन हो रहा है उस साइड लाई करने से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द पेन की यहाँ पे कैसा पेन मिलेगा, तो आपको याद रखना है दैट Naja जो रेमेडी है इसमें स्टिचिंग पेन हार्ट रीजन में ऑब्जर्व होता है. सो फ्रेंड्स, Naja जो हमारी आज की रेमेडी थी, दिस has a very prominent action on heart, जैसा कि मैंने आपको introduction में ही बताया था. Also, heart में कभी भी chronic hypertrophy हो जाती है, अगर कोई volular lesion का formation हो जाता है, अगर acute inflammation है heart में, ठीक है, या फिर diphtheria के बाद अगर threatened paralysis हो रही है heart की, जो कि यहाँ पे mention किया गया है, तो उन सारे cases में Naja बहुत अच्छा काम करती है.
So friends, this is all about Naja from my side. I hope you have understood it properly. So friends, this is all about today's session. I hope you like this video. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियो शेयर करूं और वो वीडियोस मिस ना हो तो आपको क्या करना है, जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मैं जो डेली मटीरिया मेडिका की एक मेडिसिन को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो शेयर करती हूँ वो वीडियोस मिस ना हो. थैंक यू.